हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने घर के रसोई से पतौड़ बनाने जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड की एक फेमस डिश है। तो दोस्तों देखिए, अभी तो हमने कुछ बोया हुआ है यहाँ पर, तो मैं बहुत धीरे धीरे से जाना। उत्तराखंड में से पत्यूड़ बोलते हैं, कहीं जगह से पतरोड़ू बोलते हैं और कहीं जगह से पतीड़ भी बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली ये अरबी के पत्ते हैं, तो इन्हें हमें यहाँ से काटना पड़ता है। इसको ना ऊपर से नहीं काटना, हमें यहाँ से काटना है। तो देखिए, ये हमारे पास ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं थे, तो हमने छोटे पत्ते ही काट दिए। फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे ढंग से धो लें, इसकी जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसे अच्छे ढंग से निकाल लें। तो दोस्तों, हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी ये काटेंगे, जड़ से ये हटाना है हमें यहाँ से। डन। तो इसको ऐसे काट के हटा देना है। तो ये हमारे कट चुके हैं। सो फ्रेंड, अब हम इसको एक पत्थर के साथ से इसको जरा हम प्रेस करेंगे, ताकि ये इवन शेप ले ले और हमें बाद में फोल्ड करने में आसानी हो। तो इसको धीरे धीरे से दबाएं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जीरा और धनिया लेंगे और इसको ब्रॉयल करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे ढंग से ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको एक मोटर पेस्टल में डालेंगे और उसको कूटेंगे और उसके बैटर में डालेंगे। इसको अच्छे ढंग से कूटना है। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा पाउडर बन चुका है इसका, दरदरा सा। दरदरा भी नहीं है, मतलब ठीक है। ये देखिए, तो मैं इसको बेसन लिया है मैंने 2 कप, उसमें डाल रहा हूँ मैं ये जीरा और धनिया का पाउडर, ठीक है। इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैंने बेसन डालूंगा इसका आधा, बेसन डाला था और इसमें आटा डाल रहा हूँ, गेहूं का आटा इसका आधा। इसमें अजवाइन, जीरा तो मैंने डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, मैं जरा सा धनिया पाउडर। ये काफी स्पाइसी डिश होती है, मतलब चटपटी, तो इसमें मिर्ची और नमक डाल चुका है, हल्का सा गरम मसाला पाउडर। अब 4 क्लोव गार्लिक के और 4 मिर्चियां लें और उसको भी अच्छे ढंग से कूटें। तो दोस्तों, ये भी हो चुका है दरदरा सा। ये भी हमने इसमें डालना है। जी दीजिए, अब हमने नमक सब डाल दिया। यहाँ पर बेसन और आटे को अच्छे ढंग से मिला लें। स्टार्टिंग में बेसन में पानी धीरे धीरे करके ही डालें, क्योंकि गांठें पड़ सकती हैं अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे एक साथ ही। तो इसलिए पहले अच्छे ढंग से इसको पूरा मिला लें, तब उसके बाद ही पानी डालें। जो कि अब बैटर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, जो हमने
अरबी के पत्ते धोके और इनको रखे थे, तो हम सबसे पहले पहले पत्ते में लगाएंगे इसको, अच्छे ढंग से चिपकाना है। इसको उल्टी साइड ही रखना है, देखिए ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड में ही इसको बेसन को चिपकाना है। बेसन को अच्छे ढंग से फैलाने के बाद पतला पतला ही बेसन लगाएं, ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा ना लगाएं। अब ठीक है, कितने अच्छे साइज का है, दिल दिल शेप है पूरी। तो इसको फिर इसके ऊपर ओवरलैप करना है मगर दूर से, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों अब हम इसमें एक और पत्ता लगाएंगे, ओवरलैप किया, फिर से इसमें भी बेसन वैसे ही अप्लाई कर दिया। दोस्तों हमने इसमें तीन पत्ते लगा दिए हैं, अब हम इन तीनों को, अब यहां से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। यहां से लगाया हमने बेसन इसमें, फिर हम इसको भी यहां से भी ऐसा ही फोल्ड करेंगे। हर जगह अलग अलग तरीके से बनता है, हर जगह अलग अलग, सबके अपने अपने फोल्ड करने के तरीके होते हैं, तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। ये मेरी दादी ने बताया था मेरे को, मेरी दादी ने मेरे को 3 साल पहले सिखाई थी ये रेसिपी, मगर आज मेरी दादी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर है नहीं, वो देहरादून में है, तो मिस यू दादी, आज हम अकेले ही बना रहे हैं। तो दोस्तों फिर हम इसको यहाँ से इसको ऐसे लेप लपेटेंगे, हम इसको यहाँ भी लगाएंगे, इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, और कोई कोई इतना ही छोड़ देता है, मगर हम इतना नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पूरा पॉकेट फोल्ड बनाएंगे, पॉकेट नहीं रोल बनाएंगे हम इसका पूरा। दोस्तों एक रोल हमारा तैयार है। जैसे हमने पहले वाला बनाया वैसे ही हम दूसरे वाले को भी लपेटेंगे। तैयार है, तो फ्रेंड्स पानी उबलने लग गया है, अब हमें इन पतील को स्टीम करना है। तो इस पतील को हमें लगभग लगभग 35 मिनट के लिए स्टीम, हमने तो फ्रेंड ये देखिए हमने ये डाल दिए हैं प्रेशर कुकर के अंदर, और हमें इसके लगभग 30 से 35 मिनट तक इसको ढक के रखना है, इसमें विसल के लिए नहीं करना, सिर्फ ढकना है, ढक के रखना है बस। तो फ्रेंड्स लेट्स चेक, हमने लगभग लगभग ये 35 मिनट हो गया है स्टीम में, भाप में, देखते हैं। तो इसको चेक करने का कैसे करना है, इसको चेक आप एक चाकू या फोक वगैरह या लेंगे और उसको उसमें प्रिक करेंगे, घुमाएंगे
तो निकालेंगे तो ज्यादा में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए दोस्तों। लगभग लगभग साफ ही साफ निकला है, तो लगभग लगभग ये पूरा पक चुका है। इसके बाद हम इसको अभी गैस बंद कर देते हैं और इसके बाद आपको दिखाएंगे आगे का सीन। तो फ्रेंड्स ये हमने 10 से लेकर 15 मिनट तक ठंडे होने के लिए रख दिए, ठीक है। तो अब हम इनको काटने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम दो तरीके से बना रहे हैं इनको, एक तो हम तड़का मारेंगे और एक हम फ्राई करेंगे। तो जरा फ्रेंड्स इनकन्वीनियंस हो गई, जरा लेट हो गई, रात हो गई है, तो घर वाले कह रहे हैं कि अब इसको जरा खाने के साथ ही खा लेंगे। तो चाय के साथ तो बन नहीं पाए, अब खाने के साथ ही खाएंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे काटना है, जरा जरा इसको मोटे मोटे काटना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कितनी अच्छी शेप आई है। अगर आप इनको ठंडा नहीं करोगे तो ये टूटेंगे। तड़का मारेंगे, तड़का मार के बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे कर दीजिए, काफी अच्छा आया है आप देख रहे होंगे अंदर से। तो इसको मोटा मोटा ही काटेंगे, पहले इतना मोटा काटेंगे। तो दोस्तों मैंने ये यहाँ पर तड़के के लिए काट रहा हूँ। तड़के के लिए जरा मोटा मोटा ही काटना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, तो मीडियम साइज का रखना है ताकि ये अच्छे ढंग से इसमें सब्जी जैसी फीलिंग आए। तो फ्रेंड्स हमने पहले सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल नहीं लिया, फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल लिया, मगर जब हम तड़का मारेंगे तो मस्टर्ड ऑयल से मारेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी जरा तेल गर्म हो रहा है, तो जरा इसको 5 मिनट तक तेल गर्म को होने देंगे। दोस्तों पहले एक बार चेक कर लेंगे कि कैसा हो रहा है। हाँ एकदम तेल गर्म है, धीरे धीरे करके हम इसको डालेंगे। आ गया इनमें कलर। बेसन तो हमने पहले से पकाया ही हुआ है पूरा, हमने 35 से लेकर 40 मिनट स्टीम किया था। उसके बाद अब ये हल्के से डीप फ्राई होके बहुत कुरकुरे से लगेंगे। तो आप इसको कभी भी शाम के टाइम चाय के साथ चाय नाश्ता खा सकते हैं, या अगर आपको ब्रेकफास्ट में बनाए तो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो हमारा तो आज ये डिनर हो गया है, डिनर के साथ करेंगे क्योंकि लेट हो गया था, तो इसलिए हम डिनर में ही खाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए बहुत क्रिस्प हो गए हैं, आप कलर देख ही रहे होंगे इनका, कितना प्यारा कलर आया है सुनहरा। देखिए आवाज सुनिए कैसी आ रही है क्रिस्पी, ट्रिंग ट्रिंग। हाँ तो ये देखिए दोस्तों क्रिस्प निकले। हम इसको तड़के वाला सब्जी जैसा बनाएंगे, तो ये तड़के मार के हमने इसमें अभी मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, तो मस्टर्ड ऑयल को जरा सा जला देना है उसके बाद। तो दोस्तों ये लाई है मस्टर्ड की, ये डाली, मेरे पास जखिया नहीं है तो मैं जखिया नहीं डाल रहा हूँ, और मिर्च और जरा लहसुन डाला है। तो भुनने के बाद इसमें
काटी हुई पतीली को डालें और जरा नमक और जरा सी मिर्ची डालें और ये 5 मिनट तक पकाएं और ये फिर उसके बाद तैयार। तो फ्रेंड्स सब रेडी है, चटनी में भी बना दी हमने और ये पतीर तड़का मार के जो हमने पतीर की सब्जी ऐसी बनाई, ये चटनी बनाई हमने अभी अभी। और हाँ तो विजय कैसी लगी आपको? मजा आया? तो फ्रेंड्स रेडी हो गया, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा, पहली बार बनाया, दादी ने बताया था, दादी के साथ खाया था 2-3 साल पहले, आज बनाने का मौका मिला तो काफी अच्छा लगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि पहाड़ की डिश बनाना, तो दोस्तों आप भी टेस्ट करना, आप भी बनाना अपने घर में, काफी अच्छा लग रहा है। क्रिस्पी वाले ज्यादा अच्छे हैं, जो क्रिस्प है, तो क्रिस्प वाले भी जो पकौड़े हैं वो आप शाम के टाइम पे बना सकते हैं चाय के साथ, तो वो काफी अच्छे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी व्लॉग आपके लिए बनाते रहूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट